नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है खबरों का, रुख कर लेते हैं खबर की ओर। खबर दिल्ली से, जहां पर जल बोर्ड प्लांट में बड़ा हादसा हो गया है। 40 फीट गहरे बोरवेल में बच्चा गिर गया है। एनडीआरएफ और दिल्ली पुलिस रेस्क्यू में जुटी हुई है। बच्चे को बचाने के लिए अभियान लगातार जारी है। केशवपुर मंडी के जल बोर्ड प्लांट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर 40 फीट गहरे बोरवेल में बच्चा गिर गया है और वही एनडीआरएफ और दिल्ली पुलिस रेस्क्यू में जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। बच्चे को बचाने के लिए अभियान लगातार जारी है, तो केशवपुर मंडी के जल बोर्ड प्लांट का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। देखिए, जल बोर्ड प्लांट में यह बड़ा हादसा हो गया है। बड़ी खबर दिल्ली से है और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ गया है। दीपक, ये बड़ा हादसा हो गया, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर अभी तक? जी बिल्कुल, बता दें आपको कि ये दिल्ली के केशवपुरा मंडी का मामला है, जहाँ पे बीते रात तक 1:15 पर पीसीआर को कॉल गया है कि बोरवेल में कोई गिर गया है। हालांकि ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ कि उस बोरवेल में बच्चा गिरा है या कोई शख्स गिरा हुआ है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। रात के तकरीबन 1:15 पर पुलिस को पीसीआर से कॉल गया है कि इस जल बोर्ड में कोई चोरी करने के लिए आया था और वो शख्स इस बोरवेल में गिर गया। हालांकि इस बोरवेल में इससे पहले भी एक बच्चे की गिरने की खबर सामने आई थी, लेकिन आज ये 40 फीट का जो ये बोरवेल है उसमें एक शख्स के गिरने की खबर सामने आई है। उसके बाद से लगातार वहाँ पे दिल्ली पुलिस की टीम के साथ साथ एनडीआरएफ की पूरी टीम मौके पे मौजूद है और लगातार रेस्क्यू में जुटी हुई है। उस 40 फीट के बोरवेल के बगल में दूसरा बोरवेल बनाया जा रहा है, जिसके तहत पैरेलल में वो बोरवेल बनाया जा रहा है और उसको बोरवेल के 40 फीट बनाने के बाद फिर उसको वर्टिकल लेकर के उसको वहां से रेस्क्यू करके बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब उस बोरवेल में पहले से एक हादसा हो चुका था, तकरीबन 2-3 साल पहले उस बोरवेल में एक बच्ची के गिरने की भी घटना सामने आई थी, उसके बाद भी जल बोर्ड का इतना बड़ा लापरवाही सामने आया है। वो 40 फीट का बोरवेल वैसे ही ओपन था, वैसे ही खुला हुआ था, जिसमें फिर से दोबारा से एक शख्स उसमें गिर गया है। तो ये सबसे बड़ा सवाल होता है जल बोर्ड पे भी और प्रशासन पे भी कि इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई। एक 40 फीट का जो बोरवेल बना हुआ था वो खुला क्यों था, क्योंकि जब ही वो खुला था इसी वजह से इतनी बड़ी हादसा हुई थी, इससे पहले भी एक हादसा हो चुकी है। तो लगातार देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये सवाल भी खड़ा कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उस बोरवेल में कोई बच्चा गिरा है या फिर कोई शख्स गिरा है या फिर उसमें कोई गिरा भी नहीं हो, क्योंकि सिर्फ रात के तकरीबन 1:15 में पीसीआर को कॉल जाता है। उसके बाद से लगातार वहां पे दिल्ली की पूरी टीम के साथ पहुंची है और उसके बाद रेस्क्यू में लगी हुई है। हालांकि अभी तक उस शख्स की किसी भी तरह की कंप्लेंट नहीं आई है कि कोई मिसिंग है उस इलाके में, तो अभी ये स्पष्ट करना भी साफ नहीं हुआ है। तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका दीपक।